सभा को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी संबोधित किया। उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिले समर्थन को लोकसभा चुनाव में भी बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार एनडीए की बनाने का भी आह्वान किया। पाली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी पीपी चौधरी ने भी सभा को संबोधित किया। सभा में राज्यसभा सांसद राम नारायण डूडी, विधायक कमसा मेघवाल, किरण माहेश्वरी, पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई सहित कई बड़े नेता उपस्थित थे। यहाँ दो अलग अलग मंच बनाए गए। एक मंच पर मोदी, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राज्यसभा सांसद डूडी और भाजपा प्रत्याशी चौधरी बैठे, जबकि दूसरे मंच पर स्थानीय नेता आसीन थे। मजहब और सब जाति के लोगों को हम लोगों ने साथ लेके चलने के काम किया है और उसी का परिणाम है कि आज राजस्थान के अंदर हम लोगों की सरकार, आपकी सरकार आके कुर्सी पे बैठी है। मैं सबको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि सबको साथ लेके चलने का काम हम लोग मिलके करेंगे, एक दूसरे के बीच में जो दीवारें हैं उनको हटाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी एक अलग से पार्टी, ऐसी पार्टी जिसने हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो हमारे कार्यकर्ता के रूप से निकले थे। आज नरेंद्र भाई मोदी भी प्रधानमंत्री के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोगों ने आगे किया है।